फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, DMRC 2020 कट ऑफ, यानी DMRC 2020 में कट ऑफ कितने जाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम आजकल हमारे चल रहे हैं आपके DMRC के, तो सभी सभी फ्रेंड्स या सभी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके मन में यही आपको बात बात बार बार बात आ रही होगी कि DMRC में कट ऑफ कितने जाएंगे, क्या मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कोई इशू नहीं, टेंशन ना लीजिए, मैं आपके सारे डाउट सभी क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं DMRC में आपको कट ऑफ कितने जाएंगे। ट्रेड वाइज में आपको समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है कि एज द DMRC नोटिस्ड 2020 वॉज रिलीज 14 दिसंबर 2019, दिस ईयर टोटल ऑफ 1492 वैकेंसीज विल बी फिल्ड। मतलब ये कह रहा है कि 2019 में 14 दिसंबर 2019 को ये अनाउंस किया गया कि आपका इस साल 1492 वैकेंसी पूरी फिल की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि DMRC का कट ऑफ मार्च 2020, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC विल बी रिलीजिंग द कट ऑफ मार्क्स सेपरेटली फॉर द डिफरेंट पोर्ट्स एंड एंड पर डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द कैटेगराइज। मतलब ये कह रहा है कि जो DMRC है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि डेट्स अलग अलग डेट्स वाइज ये आपका कट ऑफ प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि हेयर इज द DMRC एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ मार्क्स टेबुलेटेड कंबाइनिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द पोस्ट। द DMRC विल बी रिलीज द ऑफिशियल कट ऑफ ऑफ मार्क्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट के समय ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सॉरी, आपका कट ऑफ जो होगा ओरिजिनल वो रिलीज किया गया जाएगा। यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे तीन कॉलम दिया गया है। पहला जो है आपका कैटेगरी, यानी कि किस कैटेगरी का, मतलब कौन कौन से कैटेगरी है, जैसे OBC, जनरल SC, ST और ETC। और दूसरा क्या है, पेपर फर्स्ट एंड दूसरे तीसरे कॉलम में जो दिए गए, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑन रिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो हमारा आउट ऑफ 30 मार्क्स में है, तो उसमें आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएंगे वो 64 जाएंगे। ठीक है, यानी कि 64 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, 80 में से 64, यानी कि कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छी से तैयारी किए होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे, तो बिल्कुल आपका आपका इस बार DMRC क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यानी कि टोटल आउट ऑफ 100 में से, तो 100 में से आपके 83, यानी 83 मार्क्स के कट ऑफ जाएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक कट ऑफ आए नहीं, तब तक कोई भी क्लियर नहीं कह सकता कट ऑफ कितने जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगाया जाता है कि पिछले ईयर्स में या फिर पिछले पेपर में कितना कट ऑफ गया था, उसके हिसाब से वैकेंसीज वगैरह के सब कैलकुलेट करके अनुमान लगाया जाता है। अगर बात करें OBC की, तो OBC के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आउट ऑफ 80 में से 61 जाने की संभावना है। और बात करें सेकेंड फर्स्ट सेकेंड दोनों पेपर, यानी आउट ऑफ 100 में से, तो वो है 80 नंबर तक जा सकते हैं। बात करें SC की, तो SC का जो है 55 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा आउट ऑफ AC में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये 100 में से आउट ऑफ 73 कट ऑफ आपका जाने की संभावना है। अगर बात करें ST की, तो ST का सॉरी अगर बात करें हाँ ST की, तो ST का जो आपका कट ऑफ मार्क्स जाएगा आउट ऑफ 80 में से एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 53 नंबर्स एंड आउट ऑफ 100 में से 71 जाने की संभावना है। तो देख रहे हैं कि आपका कट ऑफ काफ़ी कंपटीशन हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, एग्ज़ाम बढ़िया से दिए होंगे, तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आइए एक नज़र प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स में के पे डाल लेते हैं। यहाँ DMRC कट ऑफ 2018 इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो जनरल का गया था वो आपका 62 गया था। ठीक है, और सेकंड पेपर में 83 गया था। बात करें OBC की, तो 59 गया था फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 80 गया था। बात करें SC की, तो आपका 53 गया था फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, मतलब कि आउट ऑफ 100 में 72 गया था। बात करें ST की, तो आपका 52 गया था आउट ऑफ 80 में और आपका 71 गया था, वो था आपका आउट ऑफ 100 में। अगर बात करें आपके DMRC 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो गया था वो 49 गया था आउट ऑफ 80 में, और ये था 68 था आउट ऑफ 100 में। अगर बात करें OBC की, तो 46 था आउट ऑफ 80 में, और ये 66 था आउट ऑफ 100 में।
एससी की बात करें तो इस 40 था आउट ऑफ 80 में और 59 था आउट ऑफ 100 में। अगर बात करें एसटी की तो 36 था आउट ऑफ 80 में और आपका 55 था आउट ऑफ 100 में। तो दोस्तों जैसे जैसे देख रहे हैं आपका ये मैकेनिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल का था 62 था 80 में और ये 100 में 96 था, कितना हायर कट ऑफ गया है यहाँ पे। ओबीसी में 60 था 80 में और यहाँ पे 93 था 100 में। अगर बात करें एससी की तो 55 था 80 में और यहाँ 86 था 100 में। अगर बात करें एसटी की तो 54 था आपका 80 में और यहाँ पे 85 था आपके आउट ऑफ 100 में। तो दोस्तों यह काफ़ी कंपटीशन टफ लग रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, भगवान से दुआ यही रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।